गाइज हाई वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई सॉक्स कलेक्शन। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, मैंने एक रील भी शेयर किया है मेरे इंस्टाग्राम पर। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते देन प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी। मैंने इंस्टाग्राम पर रील शेयर करने के बाद काफी सारे रिक्वेस्ट आए मुझे कि मेरा जो सॉक्स कलेक्शन है वो एक डिटेल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो आज मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेक श्योर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा ना वो थोड़ा सा चिटचैट एंड इंटरैक्टिव काइंड ऑफ वीडियो रहेगा, बिकॉज आई लव टू डू दीज काइंड ऑफ वीडियोस। एंड पर्सनली मुझे लगता है कि विंटर सीजन इज द सीजन ऑफ फैशन, क्योंकि समर्स में हम लोग लिटरली कुछ भी पहन सकते हैं, वी डोंट हैव टू थिंक मच। बट विंटर सीजन में हमें ध्यान में रखना है अबाउट आवर हेल्थ, कि हमें ठंड ना लग जाए। एट द सेम टाइम हमें विंटर क्लोथिंग से ही हम फैशन भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि विंटर सीजन मतलब हमें स्लीवलेस टॉप्स पहनना है, फैशन करना है, ऐसा आई डोंट सपोर्ट दिस। विंटर सीजन में ना थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है फैशन, बिकॉज हमें विंटर क्लोथ्स में थोड़ा सा फैशनेबल भी दिखना है एंड थोड़ा सा गुड लुकिंग भी दिखना है। सो दैट्स रियली चैलेंजिंग। सो मैं इसी में बिलीव करती हूँ एंड दैट्स व्हाई मुझे ना मेरे पास ज्यादा विंटर कलेक्शन है, जिसके साथ मैं मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ, कि ताकि जो मेरा लुक रहे ना वो नया भी हो और विंटर के लिए अप्रोप्रिएट भी हो। That's why मेरे पास काफी सारे सॉक्स हैं, क्योंकि सॉक्स के साथ हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। विंटर में सॉक्स आर रियली एसेंशियल, और फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सॉक्स आपके लुक को ना पूरा चेंज कर देता है। सो मेरे पास ऐसे एंकल लेंथ से स्टार्टिंग में मिड लेंथ तक और फुल लेंथ सॉक्स भी है, ताकि मेरा जो फैशन गेम है वो हमेशा ऑन पॉइंट रहे। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं मेरे जो भी सॉक्स है मैं हमेशा उन्हें केवा सॉक्स से ही परचेज करती हूँ, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है ना दैट्स सुपर। और काफी सारे फैशनेबल सॉक्स मिलते हैं उनके वेबसाइट पर, आप उनके वेबसाइट में विजिट करके आप परचेज कर सकते हैं। दे आर रियली ट्रेंडी एंड फैशनेबल, और काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेट में भी आपको मिलेगा, और काफी सारे वैरायटीज भी है। सो जो फर्स्ट और जो मेरा फेवरेट सॉक है ना वो मैं शेयर करने वाली हूँ। दिस इज लाइक अप्रोप्रिएट, जस्ट परफेक्ट फॉर क्रिसमस। और ये एक रेड और व्हाइट इस तरीके का स्ट्राइप्स का एक सॉक्स है, एंड जो क्वालिटी है ना ये ना मोटा है ना पतला है, बट काफी ज्यादा वार्म फील होता है और काफी अच्छा है। बहुत सारे ड्रेसेस के साथ आप इसे पेयर कर सकते हैं, एंड इट इज परफेक्ट फॉर क्रिसमस। एंड यहाँ पर उनके जो लोगो है ना वो यहाँ पर होता है, हर कोई सॉक्स में उनके लोगो यहाँ पर होता है। एंड आप इसका जो साइज है ना वो आप देख सकते हैं कि ये एंकल लेंथ नहीं है बट उससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो जो नेक्स्ट है वो एक ब्लू स्ट्राइप्स जैसा है, तो ये कलर है ना ये काफी अच्छा कलर है, और ये फोटोग्राफ्स में काफी ब्राइट एंड प्रिटी दिखता है, और इसका जो क्वालिटी है दैट ऑल्सो सुपर। और ये और रेड वाला साइज सिमिलर साइज ही है, और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड बहुत ही ज्यादा वार्मथ भी प्रोवाइड करता है, एट द सेम टाइम थिक भी नहीं है। सो या नेक्स्ट ये वाला है, उनकी जो पैकेजिंग है ना वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। इस तरीके के पैकेट में आता है, इस तरीके से पैकेज्ड होता है, विच इज रियली कूल और क्यूट भी मुझे लगता है, और काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। दिस इज सो सॉफ्ट, ये वाला सॉक्स ना काफी ज्यादा सॉफ्ट है, एंड ये थोड़ा सा इसका जो साइज है ना ये थोड़ा सा एंकल लेंथ से थोड़ा सा ऊपर है। ओके, सो इसका साइज मुझे काफी अच्छा लगता है, और काफी सारे पिक्चर्स भी मैंने इसके साथ क्लिक किया है। और ये ना एकदम कोजी सा, आप पजामे में है या फिर कहीं पर पजामा पार्टी चल रही है या फिर क्रिसमस पार्टी ही है, आप कोई रेड सा हैट पहन रहे हैं और उसके साथ ये वाला एंड पजामा, इट विल लुक सो परफेक्ट। और ये काफी क्यूट भी है, दिस इज परफेक्ट फॉर कहीं पर नाइट पार्टी चल रही है, आप किसी के घर में गेट टुगेदर टाइप्स, तो आप वहां पर ये पहन सकते हैं। एंड दीज आर रियली सॉफ्ट, और सारे ही सॉक्स यूनिसेक्स है, आप चाहे तो आपके बच्चों के लिए भी परचेज कर सकते हैं, आप चाहे तो मेन वेमेन एवरीवन कैन यूज दी सॉक्स। और काफी सारे नए डिजाइन भी है, अभी मैं आज चेक कर रही थी उनका नया कलेक्शन, विच इज सुपर। नेक्स्ट इसके ही साइज का, ये दोनों सिमिलर साइज के है, ये वाला है ये पर्पल और पिंक, क्योंकि इसका बॉर्डर जो है वो पिंक है। सो ये इस तरीके का एक सॉक्स है जो कि काफी अच्छा लगा मुझे, इसका पेस्टल पिंक कलर एंड पेस्टल पर्पल कलर। सो या दिस वन इज अनदर वन, और ये भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है। सो इनकी जो क्वालिटी है दैट्स
मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि क्वालिटी काफी अच्छी है। मेरे पास एक येलो कलर का है, क्योंकि येलो कलर के सॉक्स ना हम लोग किसी भी ड्रेस के साथ, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो, हम लोग पेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा न्यूड कलर का सॉक्स इज रियली एसेंशियल, और वो भी मेरे पास है, और ये काफी क्यूट है, बिकॉज आप लोग देख सकते इसमें ना छोटे छोटे लव साइंस है पिंक में और डार्क पिंक में, और इसका जो बॉर्डर है वो भी काफी अच्छा है, और इसका जो साइज है ना वो भी ठीक ही है, मेरे लिए परफेक्ट है। और ये कलर ना हम किसी भी अटायर के साथ पेयर कर सकते हैं, स्पेशली एथनिक क्लोथ्स के साथ हम इसे पेयर कर सकते हैं, और काफी ज्यादा सॉफ्ट है। नेक्स्ट मेरे पास है ये वाला एक सॉक्स, इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा यू नो फ्लावरी सा डिजाइन है इसके अंदर, और इसका जो कलर है ना ये काफी ट्रेंड में है आजकल, ये जो कलर है फ्लोरेसेंट काइंड ऑफ ग्रीन कलर। और इसका जो साइज है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, एंकल से थोड़ा सा बड़ा होगा, सो या दिस इज परफेक्ट अगर आप कहीं पर बहुत ही ज्यादा ठंड की जगह पर, या मॉर्निंग में आप कहीं पर जा रहे हैं, या फिर नाइट आउट है, तो ये वार्म भी रखेगा, और इसका जो डिजाइन है ना ये काफी ट्रेंडी भी दिखता है। सो विंटर में ना शॉर्ट ड्रेसेस काफी अच्छा लगता है, शॉर्ट स्कर्ट्स, लेकिन उसके साथ अगर फुल लेंथ सॉक्स मिल जाए तो बहुत ज्यादा फैशनेबल दिखता है। सो आई हैव वन फुल लेंथ सॉक्स, सो ये है ग्रे एंड व्हाइट में स्ट्राइप्स, तो आप लोग इसका जो लेंथ है ना वो देख सकते हैं, ये एकदम फुल लेंथ, मतलब नी से थोड़ा सा ऊपर आता है मेरे, तो ये फुल लेंथ सॉक्स है। मैं इसे किसी भी ड्रेस के साथ या चेक स्कर्ट के साथ पेयर करती हूँ तो इट लुक्स परफेक्ट, और ये काफी सॉफ्ट है, वॉर्म्थ भी प्रोवाइड करता है। सो दिस वन इज माय फेवरेट, क्योंकि मैं इसे काफी ज्यादा स्टाइल कर पाती हूँ विंटर सीजन में। नेक्स्ट मेरे पास एक ऑरेंजिश काइंड ऑफ एक सॉक्स है, और ये एक बेसिक सॉक्स है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ खास डिजाइनिंग नहीं है, कुछ खास प्रिंट नहीं है, बट जो सोबो प्रिंट है व्हाइट कलर की वही काफी है। अगर बेसिक टी शर्ट के साथ, उसके साथ एक बेसिक स्वेट शर्ट के साथ हम इसे डेफिनेटली पेयर कर सकते हैं, और मैं तो इन सारे सॉक्स को काफी ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, एंड मुझे काफी पसंद भी है इनके सॉक्स, और नया कलेक्शन भी मैंने चेकआउट किया है, वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। अगर मैं नए कलेक्शन से कुछ परचेज करती हूँ तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। और हाँ, मेरा जो ये सॉक्स कलेक्शन है वो आप सबको कैसा लगा वो भी आप जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।